बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम। आयतुल्लाह खामेनेई आ जाए, नमाज़ पढ़ाई, बता दिया कि जिसका सर खुदा के सामने झुकता है वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता। ये दर्स करबला का है कि खौफ सिर्फ खुदा का है। ये जो बता रहे थे, डरने की बात बता रहे थे, अली खामेनेई ने बताया अली वाले, और सुन्नी उलमा ने ये कहा कि ये सिर्फ अली और हुसैन के मानने वाले काम कर सकते हैं। आज के अहम पैगाम में आयतुल्लाह खामेनेई ने सबसे पहला पैगाम दिया, मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और जालिमों के ख़िलाफ़ कुरान का जो हुक्म है कि मुसलमान एक दूसरे के सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ आएं, और जब ऐसा होगा तो अल्लाह जो है वो अज़ीज़ है, अल्लाह अपनी कुदरत से मोमिनीन की मदद करेगा। अहम पैगाम है। दूसरा पैगाम कि शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये क्लियर है कि ये रास्ता ख़त्म नहीं होगा, ये रास्ता कंटिन्यू होगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो दुश्मन है उनकी नाबूदी ज़रूर है और इस्लाम की सरबलंदी ज़रूर है। बस अपने रहबर की सरबलंदी के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करते रहें और जालिम की नाबूदी के लिए दुआ करते रहें। खुदा हाफिज़।